का हमारे पास कैरेमल केक था, उसी जिस कंपनी का हमारे पास कैरेमल केक था उसी कंपनी का वेनिला केक भी है। उसकी पैकेजिंग इज वेरी नाइस, लाइक कलर इज बहुत अच्छा। ये है वेनिला जो कि बहुत ज़्यादा पिचिक है। दिस इज एक्चुअली गुड। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा केक है। एक और केक है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली अ पफ नॉट अ केक, चॉकलेट पफ जो कि है पता नहीं कौन सी कंपनी का, याओमी कंपनी का चॉकलेट पफ। प्रॉपर ऐसा पफ, अभी चॉकलेट का कोई फ्लेवर नहीं आया बिकॉज चॉकलेट बहुत ज्यादा अंदर है। बहुत कम चॉकलेट है बट ओके शम। मैंने वहाँ पे एक और केक मैंने खाया था, मैं उसका फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा था, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। वो मैं लेके तो इंडिया आई थी बट वो शूट होने से पहले ही मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने वो खा लिया था। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। वो ज़्यादा अच्छा था, इसमें लाइक बहुत कम चॉकलेट है और बीच में ही चॉकलेट है, लाइक बाहर कॉर्नर्स पे बहुत कोई चॉकलेट नहीं है, तो इस वजह से वो इतना अच्छा ही लग रहा है। अब है पूरे मिडिल ईस्ट में रानी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो ये रानी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, फ्रूट ड्रिंक है, इट्स नॉट अ सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक है। ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फेमस है, लाइक कहीं भी जाओगे आपको रानी मिलेगी। जैसे इंडिया में जैसे स्प्राइट है, स्प्राइट तो एक सॉफ्ट ड्रिंक है बट ये एक फ्रूट ड्रिंक है। इसमें से धुआं निकल रहा है, दिस इज नाइस। ये है पीच फ्लेवर में और इसके अंदर पीच के चंक्स भी आते हैं बीच बीच में। सो या नाइस, बहुत अच्छा है ये, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और इसमें मैंगो फ्लेवर भी आता है, मैंने मैंगो और पीच ट्राई किया हुआ है, दोनों मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें पीच के चंक्स भी आते हैं, लाइक प्रॉपर ऐसा चंक्स। सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। नेक्स्ट है हमारे पास एक मिल्क है, लबान स्ट्रॉबेरी मिल्क, इसकी कंपनी का नाम है अलमराई। सो या बहुत ही खट्टा है, डोंट नो वाई, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा खट्टा सा टेस्ट कर रहा है, डोंट नो वाई ये टेस्ट ऐसा करता है, या पता नहीं स्ट्रॉबेरी थोड़ी वैसी वाली है, पता नहीं। इट्स टेस्टिंग लाइक अ योगर्ट, जबकि ये एक, इसमें यार कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये मिल्क है या योगर्ट, इसमें लिखा हुआ है लबान स्ट्रॉबेरी मेड फ्रॉम 100% प्योर काउज मिल्क। अब ये मिल्क काउज मिल्क से तो योगर्ट भी बनता है, आई डोंट नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको पता है तो ये योगर्ट है या फिर मिल्क है। बहुत सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट कर रहा है, आई डोंट नो। मैं
एक और फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर मिल्क है मेरे पास जो कि है KDD. KDD बहुत ज़्यादा सही वाली कंपनी है. मैंने KDD के ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी आता है आई थिंक सो, हाँ स्ट्रॉबेरी मिल्क आता है और एक चॉकलेट वाला आता है, वो दोनों ही बहुत सही है. मैंने दोनों ट्राई किए हुए हैं. इट्स लाइक वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ KDD. बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी नाइस. नेक्स्ट आइटम इज बाजा सॉल्टेड डिलक्स मिक्स. दिस इज लाइक ड्राई फ्रूट्स. इट हैज ड्राई फ्रूट्स इन इट, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है इसमें. सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स है इसमें, सो इट्स नाइस. कभी आपको कुछ मंचन करना है एंड आपको लाइक हेल्दी स्नैक कुछ खाना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाजा डिलक्स मिक्स. चीज़ है जो कि है एक पीनट्स मोलो कंपनी का सिंस 2016 सॉल्टेड पीनट्स है बेसिकली. या इट हैज पीनट्स. अब पीनट्स तो पीनट्स जैसा टेस्ट करते हैं. क्या बात कर रहे बाबा, सॉल्टेड पीनट्स. ओके लास्ट आइटम बचा है हमारे पास एंड दैट इज कहीं जाऊँ और मैं वेफर वाले बिस्किट्स ना लेके आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. सो मैं इस बार लेके आई हूँ हेजलनट वेफर्स जो कि ऐसे दिखते हैं. डिलक्स इसका कंपनी का नाम है, नहीं ये है शायद अलकर उलकर पता नहीं. हेजलनट वेफर्स है ये. इसको वेट करने का मैं कब से ट्राई कर रही थी. क्या बोला तूने? इसको ट्राई करने का मैं कब से वेट कर रही थी. So good. इसमें एक दो टेन ऐसे पीसेस आते हैं. ओवरऑल सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा. इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा था, तसल्ली वाला क्यूमिन एंड लेमन फ्लेवर वाला चिप्स. और वीसी या वेसी में से मेरे को सॉल्ट वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बाकी दिस इज़ टू स्पाइसी फॉर मी. मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती, मतलब खा सकते हैं बट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था. बाकी तो मेरे को सब अच्छे नहीं वाला एक्चुअली. ओके लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसे दिखने वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आपने कौन कौन से ट्राई किए हुए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.